पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी पार्टी का जीना मुश्किल कर दिया है। विपक्ष को भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का हर रोज मौका मिल रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि सरकार टैक्स बढ़ाकर लाखों रुपए कमा रही है और आम आदमी की आय बिल्कुल घट रही है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी के कुछ मित्र हर रोज हजारों करोड़ों कमा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस संबंध में एक ट्वीट किया है। हर रोज जब आप महंगा पेट्रोल डीजल खरीदें तब याद रखिए, मोदी सरकार पेट्रोलियम पदार्थों का टैक्स के 23 लाख करोड़ रुपए कमा चुके हैं। हर रोज जब महंगा तेल सब्जी खरीदने तक याद रखिए कि सरकार ने 90% परिवारों की आय घट गई है, लेकिन खबरों के अनुसार मोदी जी के खरबपति मित्र हर रोज 1000 करोड़ कमाते हैं। वहीं बता दे कि इससे पहले भी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि उसने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा कराने का वादा किया था, लेकिन उसने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी की है कि मध्यम वर्ग के लिए सड़क मार्ग से भी यात्रा करना मुश्किल हो गया है। बता दें कि पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमत शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। वहीं बता दें कि लगातार महंगाई में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।